क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ कॉस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 11 साइन थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 11 कॉस थीटा माइनस 7 साइन थीटा बाय 11 कॉस थीटा प्लस 7 साइन थीटा। तो जो हमें एक गिवन स्टेटमेंट है 4 कॉस थीटा इक्वल टू 11 साइन थीटा, इससे हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 को उधर भेज देते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू होगा 11 बाय 4 साइन थीटा। अब हम इस फॉर्मूले में, ये सॉरी क्वेश्चन में जो कॉस थीटा है वहाँ पर ये वैल्यू पुट करा देंगे ताकि ये पूरा का पूरा साइन थीटा ही टर्म में कन्वर्ट हो जाए और फिर इसकी वैल्यू निकल सके। ठीक है, तो पुट करेंगे इसमें, ये गिवन है हमें 11 कॉस थीटा माइनस 7 साइन थीटा बाय 11 कॉस थीटा प्लस 7 साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कॉस थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कराते हैं, 11 कॉस थीटा की जगह आएगा 11 बाय 4 साइन थीटा माइनस 7 साइन थीटा बाय, सेम नीचे भी कॉस थीटा की जगह ये वैल्यू 11 बाय 4 साइन थीटा प्लस 7 साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो है 11 इंटू 11 तो 121 बाय 4 हो जाएगा और ऊपर इनका एलसीएम भी ले लेते हैं साथ साथ, तो ऊपर इनका एलसीएम आएगा ये 4, दोनों के डिनोमिनेटर में सिर्फ 4 ही है इसके डिनोमिनेटर में, तो 11 इंटू 11 हो गया ये 121 साइन थीटा, और माइनस ये 7 जो है इससे 4 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एलसीएम लिया है, तो 7 4 जाए 28 साइन थीटा। सिमिलरली नीचे भी इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 ही आएगा, और यहाँ 11 इंटू 11 121 साइन थीटा प्लस 7 4 जा 28 साइन थीटा आएगा, 4 से 4 कट कर देते हैं। नाउ ऊपर बचा 121 माइनस 28 साइन थीटा, तो 121 साइन थीटा है और 28 साइन थीटा उसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 97, ठीक है नहीं 93 साइन थीटा बाय 121 में 28 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 149 साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा और साइन थीटा दोनों ऊपर नीचे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा सिर्फ 93 बाय 149, और ये हमारा आंसर है, यही मैं फाइंड करना था।